अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सऊदी अरब की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ, तो आप लोग स्किप मत करें, वीडियो पूरा वॉच करें आज की क्या लेटेस्ट अपडेट है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, इसलिए कि गल्फ़ के जॉब से रिलेटेड, गल्फ अपडेट के रिलेटेड से ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं और अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। गाइस, आज मैं जो बताने वाला हूं, आज मैं सऊदी अरब की एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। लेटेस्ट अपडेट ये है सऊदी अरब की, अभी जो भाई सऊदी अरब आना चाहते हैं या जो सऊदी अरब में हैं उनके लिए ख़ास तौर में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो लोग ड्राइव करते हैं यानी ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या किसी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी, या अपना खुद का टैक्सी है, जो भी है, मेरे भाइयों को आपसे, आपको मालूम चल ही गया होगा कि अभी गवर्नमेंट जो रूल्स निकाला है, इससे पहले भी था, एक्सटेंड किया था, अभी फिर बढ़ाया है डेट 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अनाउंस हुआ है 6 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 6 महीने इसकी डेट और बढ़ा दी गई है। जो फाइन आते थे, फाइन को रिड्यूस कर दिया गया है 50% के साथ। तो गाइस, ऐसा मत आप लोग जहन बनाएं कि अगर फाइन को रिड्यूस कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से तो आपका वायलेशन जो है उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बी केयरफुल ड्राइव करें, जिसमें आप भी सेफ हैं और अगला बंदा भी सेफ है। तो कहीं भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं लॉन्ग रूट में या अराउंड अपने कंपनी के आसपास, तो बी केयरफुली आप लोग ड्राइव करें। ऐसा नहीं है कि वायलेशन पे वायलेशन करते जाएं, जब वायलेशन पे वायलेशन करते जाएंगे तो उसका भी ज़्यादा फाइन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कमाने आए हैं तो उसका केयर करें कि आप पैसे बचा के सेफ एंड सेफ्टी में गाड़ी चलाएं और अपने जिस मकसद के लिए है वो मकसद को पूरा करें। आपको पता है सऊदी अरब में जब आप लोग आते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, तो कितनी बारीकी से आपको समझाया जाता है, कंप्यूटर टेस्ट, ड्राइविंग, सब कुछ कितनी प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ एक एक चीज़ बताई जाती है, क्लास दिया जाता है, उसमें कोई अलग से चीज़ थोड़ी होती है। यही ट्रैफिक वायलेशन के बारे में ही बताया जाता है कि रोड पे कैसे ड्राइव करना है, कितनी स्पीड लिमिट होना चाहिए, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की डिस्टिनेशन कितना होना चाहिए, है ना, कौन गाड़ी सिटी में कब जाएगी कब नहीं जाएगी, टाइमिंग क्या होता है क्या टाइमिंग नहीं होता है, ये सब चीज़ के बारे में आपको क्लास के टाइम बताया जाता है। इंडिकेटर, लेफ्ट राइट, कौन सी पोजीशन पे कहाँ देना है, कितनी मीटर बिफोर देना है आपको, तो ये सब चीज़ आपको उसी टाइम बता दी जाती है जब आप सऊदी अरब में आते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, ट्रैफिक वायलेशन से बचें। और जिस भाई का भी ट्रैफिक वायलेशन है अपना पे कर लें, अभी 6 मंथ का टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। ओके गाइस, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके गाइस, तो कहीं भी ट्रांसपोर्ट का काम, जो भी काम करते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुली आप लोग ड्राइव करें, सेफ एंड सेफ्टी में काम करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।